त्रायस्यो भजगन्नाथ गुरुहो संसार बन्धिना दग्धमां कालदष्टंश्च त्वामहं शरणं गतः। हे श्री गुरु ज्ञान दीन बंधु स्वानंद दाता करुणैक सिंधु वृंदावनाशिन हितावतारो प्रसीद राधा प्रणयो प्रचारो प्रसीद राधा प्रणयो प्रचारो। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि विश्वव्यापी श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्यवर्ज्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराजंकर अशोक अभय चरण कमल रे ए दासाधमर अनंत साष्टांग दंडवत प्रणिपात पूर्वक तांकरी अहेतुक कृपा भिक्षा करे। तत्परे अस्मद्य शिक्षागुरु पाद पद्म श्रीपाद राजेन्द्र दास प्रभुंकर अशोक अभय चरण कमल रे ए अधमर अनंत कोटि प्रणाम। रूपानुग गौड़िया आचार्य वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण रे ए अधमर यथाथ प्रणाम। प्रिय आत्मन गत अध्याय रे आमे श्रवण करूथिले जे किभळि भावरे कलि युगरे एतस्मात् अपरं किंचित मनसुज्य न विद्यते। जेतेबेळे एई कलि युगरे मन शुद्धि पाई बोली केवल श्रीमद् भागवत कथार श्रवण ही आवश्यक। कलि युगरे एही जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवत लभेत। अनेक अनेक जन्मर जदि पुण्य स्वीकृति पुंजीभूत हुए ताहले से भागवत कथा रस कथा बीजमय संगीतमय भागवत कथार श्रवण पठन एवं कीर्तन करिवार सौभाग्य प्राप्ति होताए। कहा जाए जेतेबेले श्री सुखदेव जी गोस्वामी निकटरे परीक्षित जी महाराज प्रश्न पचारुचंती हे प्रभु मते कुहंतु मोर मात्र मृत्युर आउ मात्र सात दिन अच्छी आपण कुहंतु मते केउ साधन करिबाकु हेबो एवं केउ साधन करिबा द्वारा मोर निश्चित भावरे कल्याण अर्थात श्री भगवान श्रीकृष्णंक चरणरे मनोनिवेश हेबो एवं भगवानंकर भक्ति जाजन होइपारिबो एवं किभळी भावरे उद्धार होइपारिबो एही समस्त कथा जेतेबेले पचारिथिले सेही समयरे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहिले जे हे परीक्षित शुण तुमको जगत रे अनेक अनेक प्रकार रो साधना थिले मध्य तुमको कौनसी प्रकार रो साधना करिबा आवश्यक नहीं। जदि तुम्हें शेष समय रे भगवानंकर जदि नाम गुण रूप लीला इत्यादि श्रवण कीर्तन करिबा दूरे थाउ श्रवण रो इच्छा जदि मनरे निवेश करा जाए एवं श्रवण करा जाए एकांत चित्तरे ताहले निश्चित भावरे श्री भगवानंकर अमृतत्व लाभ करी मुक्ति प्राप्त हो पारिबो। सेही समय रे अनेक अनेक साधु मुनि महर्षि माने मध्य कहुतंती केऊ केऊ साधु कहंती तो हे परीक्षित राजा तुम्हें वर्तमान दान करिबारे लागि जाओ समय तो चली जाउची मात्र सात दिन अछि एही सात दिन मध्य रे आपणंकर समय चली जिवो अते आपण निश्चित भावरे एही सात दिन रे कर्म अनेक अनेक प्रकार करिबाकु हे अनेक अनेक प्रकार मध्यरु आपण वर्तमान दान कई कई कहती यज्ञ कई कई कहती होम कई कई कहती स्वाध्याय अनेक अनेक प्रकार कार्य करी तुम जीवन को कृतार्थ कर किंतु सेमाने समस्त साधन बतेबा परे मध्य सेमाने कही केही मध्य निजर स्वतंत्रता को बजाय रखि पारु नथिले जे निश्चित भावरे एहा संभव हो पारिबो। किंतु सुखदेव जी गोस्वामी महाराज यह स्वतंत्र बजाय रखी कहिले हे राजा परीक्षित तुम्हें निश्चित भावरे मु स्वतंत्रता बजाय रखी कहुची तुम्हें जदि भगवानंकर भागवत कथा शुणिबार जदि मनरे संकल्प मात्र कल शुणी नाह
ताहाले तुमर सद्गति हो जाई पारिबो। काहेकि ना भागवत कथा शुणवा तेणिकी थाउ, भगवानंकर कथा जदि शुणिबार मनरे इच्छा मात्र जाग्रत हेला ताले भगवान अशेष कृपा करंती एवं तांकर निश्चित भावरे कल्याण ही कल्याण होइताए। अते एठारे मन को संतोष करिवा निमित्त केवल ही केवल भगवानंकर ए दिव्य आम भागवत कार्यक्रम एही भागवत कथा को श्रवण नित्यांत करणीय एवं एहापरे जेतेबेले श्रीमद् भागवत कथा चली थाए सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित राजा को कहंती से ही समय रे हठात एक गोटे दृश्यमान वैचित्र्यमय घटना घटा को लगला। से घटना कौन थिला ना जेतेबेले भगवानंकर वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथांक चली थाए से ही कथा प्रवचन सभारे देवता माने स्वर्गरु ओल्हाई आसिले एवं से माने निजे तो आसी चंती ताहा पुनी अमृत कलश नहीं आसी चंती। एहा देखी समस्ते मुनि ऋषि आर्य सनातन संस्कृतिर साधु संत माने आश्चर्य होइगले जे देवता माने कलश धरी एका थर के एका विमान रे आसी चंदी एहार कारण जानी पारले नै। सेही समय रे समस्त देवता माने आसी सेठारे उपस्थित होइ सुखदेव जी गोस्वामी को कहुचंती सुख नत्वा बदन सर्वे शोकाज कुशला सुराहा। कहिले हे सुखदेव जी गोस्वामी आपण आम को कृपा करंतु जे राजा परीक्षित मात्र सात दिन ही समय अछि तांकर मृत्यु किंतु आपण आमे आनीथिबा अमृत कलश को नहीं आसीचु से अमृत कलशरु अमृत को से राजा परीक्षित को आपण पीई दियंतु एवं तार प्रतिबदल स्वरूप आम को भागवत कथा श्रवण करांतु। जेतेबेले एही कथा सुनिले सेही समय रे सुखदेव जी गोस्वामी हसीबागु लागिले काहेकि ना एही भागवत तुलना रे एही स्वर्गर अमृत जेऊ स्वर्गर अमृत को पाइबा निमित्त भगवान विष्णु को चारोटी अवतार ग्रहण करिबाकु पड़िथिला सेही अमृत आज सहजरे प्राप्त हो पारुची एवं से अमृत माध्यम रे सुखदेव जींकर परम शिष्य परीक्षितंकर जीवन मध्ये बंची जाई पारिबो किंतु ताहा परे मध्य जेतेबेले मृत्यु को जय करिबा पई अमृत मध्य पाखो को आसीगला सेही अमृत को मध्य आज निजे सुखदेव जी गोस्वामी तिरस्कार करुचंती सेही अमृत को परित्याग पूर्वक हसुचंती एवं देवता मानंकर कथा को हसरे उड़ाई देउचंती। यार कारण कौन दर्शक बंधु यार कारण गोटे मात्र जे एही अमृत भागवत अमृत ठारु अत्यंत भावरे न्यूनतम एथिपाई जे एही भागवत अमृत एवं एही स्वर्गामृत अनेक प्रकार एहार जदि पार्थक्य देखा जाए एहा निश्चित भावरे आपण कहिबे जे भागवत अमृत श्रेष्ठ काहेकि ना स्वर्ग अमृत समस्त को प्राप्त करिबा पई सुजोग मिलि नथाय। एहा हला समस्त जार अनेक अनेक पुण्य थिबो सेमानंकु ही केवल एही स्वर्ग अमृत प्राप्ति हेबो किंतु भागवत अमृत निरपेक्ष अमृत कौनसी एथिरे पक्षपातिता ही नाही। समस्ते चाहि से जेकोणसी मद्यपान करंतु किंबा से जेकोणसी साधु हुवंतु मद्यपानकारी ठारु आरंभ करी साधुंक पर्यंत समस्ते ए भागवत कथा रस आस्वादन करिपारिबे किंतु ए अमृत स्वर्गर अमृत समस्ते रस आस्वादन करिबा पई अधिकारी नुवंती एहा निश्चित भावरे पक्षपातिता। जदि एही भागवत अमृत को पान करिबा पई कोनोसी पक्षपात करिबा को पड़े नहीं किंतु एही श्रीमद् भागवत कथा अमृत व्यतीत स्वर्ग अमृत पक्षपाती होई जाय थाए एवं एही स्वर्ग अमृत पुण्य आपहम जदि कोनोसी व्यक्ति स्वर्ग अमृत को जदि पान करंती ताहाले तांकर पूर्ण पुण्य गुड़िक मध्य कमी कमी आसी जाए किंतु भागवत अमृत कोनोसी व्यक्ति जदि पान करंती तांकर पूर्ण रूप रे पुण्य बढ़ी बढ़ी चले जाए। अर्थात कौन सी व्यक्ति जदि अमृत जदि स्वर्गर अमृत जदि पान करती ताहले से अमृत पूर्ण क्षणीय पूर्ण भाव आम पुण्य गुड़िक पुण्य गुड़िक स्वतः कमीजीव किंतु यही श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने द्वारा आम पुण्य बढ़ अतए यही भागवत कथामृत निरपेक्ष एवं ताहा पुनी अम्लान अमृत जहाँकि से अमृत मध्यम कौन सी पक्षपातिता नक समस्त को वितरण करमृत को पान करने समस्ते देवता माने आज अमृत कलश को नहीं आसमृत कलश को नहीं आसी कहते एठार आपत भाव
से निश्चित आपणकर शिष्य आज अमृतत्व लाभ करिवो। काहेकि ना एही अमृत जहार फल हैला जेकोनसी व्यक्ति जदि स्वर्गर अमृत पान करती ताहले निश्चित भाव से अमृत अमरत्व प्राप्ति हो पारिवो। एही भागवत अमृत को आमको प्रदान करी आपण तार प्रतिबदल रे तांको सेही स्वर्ग अमृत प्रदान करंतु। अतएव आपण आमको एही कार्य करिबा द्वारा आमे निश्चित भाव आनंद पाइबु। एही कथा जेतेबेले श्रवण करंती सेही समय रे कहिले शुद्धा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमम्। सेटार समस्ते आसीगले देवता माने एवं कहिले एवं विनिमयम जाते सुधाराज्ञा प्रपोहिताम् प्रपाशयं वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमयो जातो आपण विनिमय करिदियंतु ए भागवत अमृत एवं स्वर्ग अमृत विनिमय करिदियंतु जहाँ फलरे परीक्षित परीक्षित जिंकर जीवन बंचीजीव एवं आमे मध्य भगवान यही भगवान भागवत कथा को श्रवण करी आमे देवता होइतिले मध्य आब जीवन को स्वतः आनंद एवं जीवन को चरितार्थ करी परिवु। यही समस्त कथा जितेबेले सुखदेव जी गोस्वामी सुनिले से समय रे अत्यंत भाव रे हसरे उड़ाई दे सेमान को तुच्छ मणिले एवं से भगवान सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित को से भागवत कथा अमृत प्रदान कले किंतु देवता मानंकु से भागवत कथा अमृत रु विच्युत कराई दिले। आसंतु आमे आगामी पर्याय रे सुनिबा जे किभली भाव रे परीक्षित जी महाराज को भगवान से दिव्य लीला श्रवण कराइले एवं देवता मानंकु किभली भाव रे ता उपेक्षा कराइले आमे सुनिबा आगामी पर्याय रे। जय जगन्नाथ। बोल भागवत महापुराण की जय। केमिति रहिबो 2022 रे आपणंक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान। केमिति रहिबो मेष राशि ठारु मीन राशि पर्यंत आपणंक भाग्य जानिबा पई देखंतु आमो कार्यक्रम 2022 भाग्य फल। 2022 भाग्य फल केवल डीटीपी ओडिया रे। नमस्कार देश विदेश रो खबर सहित आपन मानको स्वागत करूची मो अनी। दर्शक बंधु भारत सहित चीन रो सीमा विवाद, अफगानिस्तान उपरे तालिबान रो कब्जा, अमेरिका भारत जापान रूस सहित संपर्क वृद्धि, एही बळे किछि देश विदेश रो खबर सहित मु आसुची आपन मानको पखको। आपण माने अमर एही देश विदेश रो खबर को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं अन्य मानको सहित शेयर निश्चय करंतु। डीटीवी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।